हेलो एवरीवन, दिस इज़ साक्षी सिंह, वेलकम टू माय चैनल। सो इन दिस वीडियो मैं एक मेकअप लुक क्रिएट करूँगी, जो कि ये मेकअप लुक होने वाला है। और ये बहुत ही सिंपल और बेसिक मेकअप लुक होगा, क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि आप एक मेकअप वीडियो करिए जो कि सिंपल मेकअप वीडियो हो। तो मैंने ये लुक क्रिएट किया है, आई होप आपको ये लुक पसंद आए। और मैंने स्टेप बाय स्टेप किया है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा एंड मुझे आशा है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मेकअप स्टार्ट करने से पहले फेस वॉश आप कर लें, और फेस वॉश से आपकी स्किन डीप क्लीन हो जाएगी, कोई भी ऑयल वगैरह फेस पर नहीं होगा। एंड उसके बाद में हमें टोनर अप्लाई करना है। टोनर क्या करेगा, टोनर जो है वो हमारे स्किन को हाइड्रेट करेगा। एंड टोनर अप्लाई करने के बाद आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। मॉइस्चराइजर से क्या होगा, मॉइस्चराइजर आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, जिससे स्किन आपकी फ्लॉलेस लगेगी। कभी भी आप मेकअप करने से पहले मॉइस्चराइजर मस्ट है, मॉइस्चराइजर आपको करना ही करना है। उसके बाद, क्योंकि मैंने टोनर, मॉइस्चराइजर और फेस वॉश ऑलरेडी कर रखा है, तो मैं जो फर्स्ट स्टेप है उस पर मैं पहले लगाऊंगी ये प्राइमर। बट प्राइमर लगाने से पहले मैं अप्लाई करूंगी लिप बाम, क्योंकि मेरे लिप्स ड्राई हो रहे हैं। मैं डॉट एंड की का लिप बाम यूज़ कर रही हूँ, और इसको लगाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने लिप बाम अप्लाई कर लिया है। एंड अब हम फटाफट अपना फेस का बेस बनाने के लिए हम यहाँ पर प्राइमर यूज़ कर रहे हैं। ये ब्लू हेवन का प्राइमर है, ऑयल फ्री प्राइमर है। मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये सारे प्रोडक्ट आपको दिखाए थे। अब इस प्राइमर को फेस पर हम अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा लेंगे। इतना सा प्राइमर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्राइमर जो आपकी स्किन पर ओपन पोर्स होते हैं उनको कम कर देता है, और एक फ्लॉलेस मेकअप दिखने के लिए वो एक अच्छा बेस देता है हमारी स्किन को। तो प्राइमर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं फर्स्ट ये प्राइमर अप्लाई करूँगी अपने फेस पर अच्छे से, जिससे हमारा मेकअप जो है वो अच्छा दिखे। ठीक है, प्राइमर मैंने अप्लाई कर लिया है। अब हम अप्लाई करेंगे अपने फेस पर फाउंडेशन, जो कि हमारे मेकअप का बेस बनाने वाला है। तो फाउंडेशन आप अपने एसेट के अकॉर्डिंग यूज़ करें। तो ये मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ का, मामा अर्थ का ग्लो सीरम फाउंडेशन, विटामिन सी प्रेजेंट है इसमें। फाउंडेशन बहुत ज़्यादा हमें नहीं लेना है, आप इस तरीके से फाउंडेशन को कर सकते हैं डॉट डॉट करके, जैसा कि मैंने कर लिया है। एंड देन अब हम इसे स्प्रेड करेंगे। एक अब हम फाउंडेशन को ब्लेंड करेंगे ब्लेंडर की हेल्प से। आपको जो आपके लिए कन्वीनियंट लगता हो, चाहे आप ब्लेंडर से ब्लेंड करें अपने फाउंडेशन को, या फिर मेकअप ब्रश से आप भी कर सकते हैं। मुझे ब्लेंडर से ज़्यादा अच्छा कंफर्टेबल पड़ता है, तो मैं ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, ये जो है पर्पल का ब्लेंडर है, पर्पल का ड्रीम ब्लेंड ब्यूटी ब्लेंडर। अब इसे हम पूरे स्किन पर अपने स्प्रेड करेंगे। जब भी आप ब्लेंडर यूज करें अपने फेस पर अपने फाउंडेशन को अच्छे से स्प्रेड करने के लिए, जिससे आपका पूरा मेकअप फ्लॉलेस लगे, तो आपको इस तरीके से डैब डैब करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत ही अच्छे से आपकी पूरे स्किन में लग जाएगा, और आपका मेकअप जो है वो केक ही नहीं लगेगा। आपको वेडिंग पार्टी में जाना या कोई भी छोटा मोटा फंक्शन हो, हमें एक बेसिक मेकअप करना आना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, जिससे जो बिगनर हैं उनको अच्छे से एक आइडिया मिल जाए कि उनको किस तरीके से मेकअप करना है, जिससे हमें किसी दूसरे पर डिपेंडेंट ना होना पड़े, हम अपना मेकअप अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, फाउंडेशन अपने फेस पर अप्लाई करते हैं, वही हमें अपने नेक एरिया पे भी अप्लाई करना है।
इससे क्या होगा कि जो आपकी फेस होगा वो आपके नेक से अलग नहीं दिखेगा, वो सिमिलर दिखेंगे एंड वो अच्छा लगेगा। वो बहुत ही गंदा दिखता है जब हमारा फेस अलग दिखता है और हमारा नेक अलग दिखता है, तो जो भी एक्सेस में बचा हुआ हो आपके ब्यूटी ब्लेंडर पर वो आप इस तरीके से अपने नेक एरिया पर अप्लाई कर लें। और अगर ब्यूटी ब्लेंडर में नहीं हो तो आप थोड़ा सा फाउंडेशन लें और अपने नेक लाइन पे पूरी लगा लें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा एक फ्लॉलेस बेस बन चुका है, मेरा जो फेस है और मेरा जो नेक है बिल्कुल एकदम सिमिलर दिख रहे हैं, यू कैन सी। सो मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, हमने स्किन केयर अच्छे से किया, पहले हमने फेस वॉश किया, फिर हमने टोनर अप्लाई किया, फिर हमने मॉइस्चराइजर अप्लाई किया, उसके बाद मैंने प्राइमर अप्लाई किया, उसके बाद मैं फाउंडेशन अप्लाई किया मैंने अपने फेस पर, एंड एज़ यू कैन सी कि मेरा पूरा फाउंडेशन अच्छे से लग चुका है। ईयर को भी आपको नहीं छोड़ना है, यहाँ पर भी हल्का सा आप अपना ब्यूटी ब्लेंडर ऐसे से कर दें, इससे क्या होगा ना ये सारी चीज़ें आपके फेस से सिमिलर दिखेंगी एंड वो फिर चीज़ें अच्छी लगती हैं। ठीक है, ये हो गया। एंड देन अभी क्योंकि मुझे कंसीलर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, मेरे उतने डार्क सर्कल हैं नहीं, तो मैं कंसीलर नहीं यूज़ करने वाली हूँ। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके डार्क सर्कल हैं देन आप यहाँ पर इस तरीके से कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बहुत ही सिंपल और बेसिक मेकअप वो है, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें उतना करूँगी नहीं। अब मैं थोड़ा साइट मेकअप करूँगी। आई मेकअप के लिए मैं इन साइट का ये पैलेट यूज़ कर रही हूँ, ये है इनसाइट का प्रो आई सैडो पैलेट, इस पर हम अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं कि मेरा फाउंडेशन कितनी अच्छी तरीके से लगा है, एकदम नेचुरल लग रहा है और चीज़ें पूरी सिमिलर हैं। इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है, ठीक है, कि आपकी चीज़ें सिमिलर लगे। अब मैं इसमें यूज करूँगी ये हल्का सा ब्राउनेस, ये वाला हल्का सा रेडिश टू ब्राउनिश है, ये हम अपने आई पे यूज़ करेंगे। जो भी एक्सेस पे हो आप इस पे ऐसे कर दें। इस वाले आई पे मैंने एक लिटिल बिट अब एक बेस बना लिया है, अब ये नेक्स्ट वाला जो है हम इस पे करेंगे। इसको आप देख सकते हैं कि दोनों आईज़ पर मेरे अच्छे से ये आई शैडो, एक जिस तरीके से हमने फाउंडेशन अप्लाई किया उसी तरीके से हमने दोनों अप्लाई कर लिया है। अब इसको अच्छे से हम स्प्रेड करेंगे जिससे अच्छे से ये फ्लॉलेस लगे। ठीक है, अच्छे से हमें स्प्रेड करना है। ओके, तो ये अच्छे से स्प्रेड हो चुका है। अब हम इस पर थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा इसको पॉइंट करेंगे एक डिफरेंट कलर से, जो कि होगा इसके साथ क्या जाएगा, हल्का सा पिंकिश, ये वाला। अब इसी में से हम कोई लाइट से ये उठाएंगे यहाँ पर हल्का सा, और इसको हम इधर हल्का सा ऐसे इस तरीके से आई के कॉर्नर पर हम इसको हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा अप्लाई करेंगे। एंड देन अब हम इसे अच्छे से पूरे आईज में
मतलब इस तरीके से एक बार फिर से फाइनल टच देंगे। एज यू कैन सी कि मेरा ये आई कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, एक सिंपल लुक है ये। एंड अभी हम यूज़ करेंगे लिटल बिट ब्लश यूज करेंगे हम, ये हल्का सा पिंकिस। ये आप देख सकते हैं डन है। अब हम थोड़ा सा अपने आईब्रो को शेप देंगे, जिसके लिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। इससे इस साइड से मैं इसे थोड़ा सा शेप दूंगी। ओके डन, तो आईब्रो जो मेरा है वो अच्छा दिख रहा है और ये डन है। अब हम आई मस्कारा अप्लाई करेंगे, जिससे हम अपने आई लुक को अच्छे से फिनिश कर पाएँ। सो मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ नाइवे का आई लव मस्कारा। मस्कारा जो है मेरी आईज पर अच्छे से लग गया है, आप देख सकते हैं। अब हम हल्का सा काजल अप्लाई करेंगे। मैं यूज़ कर रही हूँ AYA का वाटरप्रूफ काजल। काजल जो है बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है। काजल अच्छे से अप्लाई हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके आईब्रोज पर एक्सेस फाउंडेशन है, तो आप, क्योंकि ये वाटरप्रूफ काजल है, तो हल्का सा आप उसमें ऐसे लेकर यहाँ पर इसको अच्छे से स्प्रेड कर आप कर सकते हैं, जैसा कि मैं कर रही हूँ। ऐसा कर ले लीजिए अपने एक फिंगर टिप पर एंड देन फर्स्ट ध्यान से करिएगा, इधर उधर ना लगे। हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, कोई भी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको नहीं लेनी है। तो फिर उसके बाद इसको ऐसे इस तरीके से फिर से एक बार उसमें अच्छे से मिला दीजिए। डन। कभी कभार ऐसा होगा कि हम फाउंडेशन लगाते हैं तो अगेन इस पे तो लग ही जाएगा कितना भी हम बचाएं, तो इससे क्या होता है कि ये ब्राउनिस हो जाते हैं, वाइटिस हो जाते हैं, तो इससे आई मैच करनी चाहिए। तो ओके, सो ये एक आई लुक मेरा सिंपल सा, बहुत ही सिंपल और बेसिक आई लुक है ये। ये मैंने कर लिया। अब मैं अप्लाई करूँगी लिपस्टिक, जो कि बहुत ही न्यूट शेड की लिपस्टिक मैं अप्लाई कर रही हूँ, और ये है नाइवे की लिक्विड लिपस्टिक। सो मेरी लिपस्टिक भी अप्लाई हो गई है, तो कोशिश हमें यही करना है कि जो हमारी लिपस्टिक हो वो आई शैडो कलर से मैच करे। एज यू कैन सी मुझे मेरा मेकअप अच्छा लग रहा है। इसके साथ आप कोई इंडियन ड्रेस चूज़ कर सकते हैं। मेकअप को लास्ट टच अप देने के लिए हम थोड़ा सा कम्पैक्ट पाउडर यूज़ करेंगे। मैं अब यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ का विटामिन सी ग्लो कॉम्पैक्ट पाउडर।
और इसमें बहुत थोड़ा सा लेंगे हम एंड देन यही है मेरा फाइनल लुक। आई होप को मेरा ये सिंपल सा बेसिक सा लुक पसंद आया हो। तो कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि ये जो मेकअप लुक मैंने किया वो आपको कैसा लगा। बहुत ही बेसिक था और सिंपल भी था, बट आपको कैसा लगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लाइक इट इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।